हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने विक्टर डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पांच सवाल लेकर आया हूँ, जिनमें से चार मैं करूँगा और एक आपके लिए विद इन पाँच मिनट के अंदर। पांच सवाल पाँच मिनट के अंदर शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ये पहला सवाल है, ये कह रहा है इतनी बड़ी वैल्यू है और इसकी आपको है ना वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो क्या करना होता है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इनको ब्रेक करना है, इन्हें तोड़ लेना। मतलब ट्रम में जो होती है, जैसे पाँच गुना छः लिख लिया मैंने, या मैंने छः गुना सात, ये लगती ट्रम आएगी, मतलब गैप इनका सेम रहेगा, रहे ना रहे लेकिन तुम्हें इस तरीके से ब्रेक कर लेनी है। ठीक है, कभी तो देंगे ये खुद को तोड़ी हुई और कभी कभी ये इससे मल्टीप्लाई करके दे देंगे, तो आपको अपने हिसाब से ब्रेक कर लेनी। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें क्या क्या लिखना है कि जो इनका डिफरेंस है, जैसे पाँच और छः, छः और सात का सबका डिफरेंस कितना है, एक है, तो यहाँ वन अपॉन वन करके वन लिख लेना। ठीक है, फिर ब्रैकेट बनाना है यहाँ पे, ओके। फिर क्या लिखना, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या वन बाई फाइव है, यहाँ वन बाई फाइव लिख देना, फिर माइनस का साइन लगाना। लास्ट टर्म देखो क्या बनेगी अपनी, भाई यहाँ जैसे छः गुना सात, सात गुना आठ, आठ गुना नौ, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, नौ गुना दस। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, वन बाई टेन, ओके। बस सोल्ड करना है अभी, कितना एलजीएम कितना आ जाएगा, दस, यहाँ कितना होगा पाँच दूनी दस, यहाँ माइनस एक, ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, एक बटा दस, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट क्या है, ये भी सेम टू सेम सवाल है। ये आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका डिफरेंस मैंने बताया, चार और एक का डिफरेंस कितना होता है, तीन, वो लिख लेना, ब्रैकेट लगाना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्या है अभी वन अपॉन वन, माइनस लास्ट क्या है वन अपॉन थर्टीन। ठीक है, एलसीएम कितना जाएगा, वन सॉरी एलसीएम कितना जाएगा आपका, तेरह, यहाँ तेरह में से एक जाएगा, यहाँ जाएगा बारह, बारह बटे तेरह, तीन से काटोगे कितनी बार, चार बार, तो कितना आ गया आपका, चार बटे तेरह। ठीक है, दो सवाल हो चुके हैं आपके, नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो नेक्स्ट क्या है कि ये तीन वेरिएबल वाला आ गया, अब इसे देख, मतलब ये सीजीएल मेंस का सवाल था, कोई नहीं, देखो कुछ नहीं करना, जैसा बताया वही। पहले देखो डिफरेंस क्या, फर्स्ट का और लास्ट का, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, वन बाई टू, ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करो, देखो जब तीन वेरिएबल आ जाए ना, तो शुरू के दो टर्म्स लेनी है और उधर लास्ट की दो टर्म्स, यानी यहाँ लिखोगा वन इंटू वन इंटू टू माइनस फाइव इंटू सिक्स, ओके। सीजीएल मेंस का सवाल है, देखो कितनी चुटकियों में आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, एक बटा दो माइनस में एक बटा तीस। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, तीस, यानी यहाँ पंद्रह आ जाएगा, पंद्रह में से एक जाएगा चौदह बटे तीस, एक बटा दो, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, चौदह बटे तीस, इसे काट लो, दो से कितनी बार काटेगा, सात बार, सात बटे तीस, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर आ चुका है इसका, ये आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये भी मतलब तीन वेरिएबल वाला, जैसे वो करा था सेम टू सेम सवाल है ना, क्या करना है, कुछ नहीं भाई, सबसे पहले इनका फर्स्ट, पहले इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना, तीन का और एक का दो, ब्रैकेट बनाओ, सही है। पहले दो टर्म देखो वन इंटू टू, फिर माइनस लगाओ लास्ट दो टर्म, लास्ट दो टर्म क्या आपकी जी, छः गुना में सात है। ठीक है, फिर से वन बाई टू, कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू माइनस में एक बटा बयालीस, ओके। फिर यहाँ साइन देखो कितना, वन बाई टू है ना, अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, फोर्टी टू आ जाएगा, और दो को बयालीस से भाग दो कितना आ जाएगा, इक्कीस, इक्कीस में से एक जाएगा, बीस बटे बयालीस, दो से कितनी बार काट दोगे इसे, दस बार है ना, ये कितना जाएगा, पाँच बटे इक्कीस, ये आपका आंसर होगा, समझ में आ गया, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, इसे आप करोगे, ये इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, ये भी सेम टू सेम सवाल, अच्छा देखो यहाँ दिया हुआ है ट्वेल्थ टर्म, ये आपको अगर इसका आंसर करोगे मैं ये बताऊँगा बाद में, ओके। ट्वेल्थ टर्म तक आपको ये निकालना है, ठीक है, थैंक यू।